हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए एकदम नया वीडियो लेकर आई। नमक में हम तलेंगे बताशे और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि तेल में अगर हम तलते थे बताशे तो क्या होता था, तो इतना महंगा तेल आता है हमारे मार्केट में, पूरा 250 लीटर आता है। ऊपर से आपका पैसा ही बच रहा है और आपकी हेल्थ भी बिगड़ने से बच रही है। तेल, अगर हम तेल की चीज़ खाते हैं तो हमारी हेल्थ थोड़ा बिगड़ने का डर रहता है, ठीक है। और जो हम खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं, हम उसी से आज बनाएंगे। आप देख सकते हो कितने फूले फूले हमारे बन के तैयार हैं। मतलब मैंने नमक में ही तला है, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया है। कुछ नहीं इसमें लगेगा, बस हमारा नमक लगेगा। पतंजलि का मैंने नया नमक लिया है, आप कोई भी नमक ले सकते हो। और ये मेरा रेडीमेड बताशा है, आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसे कहीं कहीं पानी पूरी बोलते हैं, कहीं कहीं गुपचुप बोलते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ क्या बोला जाता है। ओके गाइज, अब हम लेंगे उसके बाद मोटे तल की कढ़ाई। आपको मोटे तल ही की लेनी है, पतले तल की मत लीजिएगा। और इसमें जाएगा मेरा 2 कटोरी भर के पूरा नमक, खाने वाला नमक ही आपको डालना है। देखिए गाइस, और इसे तो हमारे बच्चे भी तल सकते हैं, क्योंकि जब तेल के आगे वो बैठते हैं तो उन्हें मतलब हम लोग को थोड़ा डर बना रहता है कि बच्चे अगर तलेंगे तो तेल का छींटा पड़ जाएगा, वो जल जाएंगे। बट इसमें तो कुछ भी डर नहीं है, नमक में आप बताशे तल सकते हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात हो गई, तो प्लीज़ आपको इस बात के लिए तो सब्सक्राइब करना ही होगा। तो देखिए, अब मैंने 5 से 6 मिनट ऐसे छोड़ दिया गर्म होने के लिए। आपको एकदम तेज़ गर्म रखना है, अरे फ्लेम हाई करना है। पहले मैं 4 डाल के आपको दिखा देती हूँ, मतलब आपको एकदम पहले ट्राई करना है। एकदम आप पहली बार में बहुत ज़्यादा मत डाल देना, पहले आपको 4 डालना ही है। अब मैंने इसके ऊपर से नमक का जो लेयर है उसके ऊपर डाल दिया है। देखिए, नमक मैंने उसके ऊपर बिछा दिया है, इसे पूरा ढक दिया है। बहुत अंदर आपको नहीं ले जाना है। देखिए धीरे धीरे कैसे फूलते हुए आ रहे, वाह यार कितना अच्छा लग रहा है। देख सकते हो कैसे धीरे धीरे फूलते हुए आ रहा है, अपने ऊपर से नमक के गिराते हुए चल रहा है। अभी आप पूरा ये फूला नहीं है, मतलब ये थोड़ा कच्चा जैसा आपको ऊपर से दिख रहा होगा। तो अभी मैं क्या करूँगी, नमक कंटिन्यू इसके ऊपर डालती रहूँगी। आपको रोकना नहीं है, इसे कंटिन्यू आपको नमक डालना है, क्योंकि नमक जितना गर्म रहेगा उतनी जल्दी आपका फूल के भी तैयार होगा। तो कुछ कुछ बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए कितने मस्त तरीके से हमारा फूल के आ गया है। देखिए यार गाइस, मज़ा ही आ गया ना। अब तो बिना तेल का भी हम बताशे तल सकते हैं। और क्या है ना कि जब भी हमारा बताशा खाने का मन करेगा हम तल लेंगे। कभी हम नहीं सोचेंगे अरे यार उतना तेल लगेगा, हमारी हेल्थ बिगड़ेगी, ऐसा कुछ भी हम नहीं सोचेंगे। हम जब मन करेगा हम जाएंगे किचन में, हमारे खाने वाले जो नमक होता है हम वही लेंगे और बताशे को तल लेंगे। ठीक है, जो जाली वाला थाली होता है हम उस पर रख के उसे छान लेते, जो एक्स्ट्रा नमक होता है वो गिर जाएगा, ठीक है। अब मैं देखिए, पहली बार मैंने 4 डाला था ट्राई करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी और इसे भी अंदर थोड़ा ढक देना है मुझे। नमक इसके ऊपर लगा गिरा देंगे हम और इसे हमें कंटिन्यू चलाना है धीरे। जब मतलब जब फूलते हुए आएगा, ये देखिए कैसे कैसे फूल रहा, जैसे फूलने हुआ होगा फूलने वाला होगा आपको ऐसे चलाते रहना है। देखिए कंटिन्यू मैं चला रही, देखिए एक मेरा नहीं फूला है, क्या हुआ बहुत ज़्यादा वो नमक के अंदर चला गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आपको नमक के अंदर नहीं ले जाना है। देखिए कितने मस्त तरीके से और कितना प्यारा लग रहा है ना फूल क्या है, बिना तेल का वो भी, और इतने प्यारे तरीके से इतना ज़्यादा फूला है ना, मज़ा ही आ गया। मतलब यार ये देखिए नमक मैं कैसे इसके ऊपर गिराते चल रही हूँ कितना, और इस बार मैंने थोड़ा और ज़्यादा डाला है और पूरा मैंने भर दिया। ये देखिए, और नमक और भी ज़्यादा गर्म हो गया, तो बस मुझे ढकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए मैं बस चला ही रही हूँ कंटिन्यू और ये कैसे फूलते हुए हमारा आ रहा है। मैंने वीडियो एकदम भी स्किप नहीं किया है और आपको हाथ नहीं रोकना है, प्लीज़ कंटिन्यू चलाते रहिएगा। ये देखिए, और एक बार में इतने ज़्यादा बताशे फूल गए, मतलब मज़ा ही आ गया। एकदम ही नई वीडियो लेकर आई थी, तो इस बात पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर बनता है, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही ज़्यादा बनता है। देखिए इस बार मैं ज़्यादा ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नया वीडियो है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। देखिए इतना सारा हमारा बन के एक ही बार में तैयार है। अब हम मेरे पास जो जाली वाली थाली थी उस पर मैं रख लूँगी, इन सबको निकाल लूँगी मतलब, और इसे डस्ट कर लूँगी, मतलब नीचे का जो एक्स्ट्रा नमक है उस पर जो चिपक जाएगा वो सारा निकल जाएगा। ओके, उसके बाद जो क्या करना है, ये जो हमारा नमक बच रहा है ना आप उसे फेंकिएगा मत। ठंडा होने के बाद आप इसे एक डिब्बे में भर लीजिए और फिर जब आपका मन करे तो आप फिर इसमें तल सकते हो। हाँ, एक और बात,
कि ये नमक ख़राब नहीं होगा, आपको जब मन करेगा आप इसमें फिर से बताशे तल सकती हैं। तो गाइस देखिए फूले फूले हमारे बताशे बनके तैयार हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो थी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की लिंक आपको पहले मिल जाए। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इसमें जो मटर डालते हैं और इसकी टेस्टी टेस्टी पानी, ठीक है। और मेरे पास तो पहले से पानी बनी हुई रखी थी, मतलब मैंने बना के रखी थी। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। और देखिए मैंने थोड़ा बताशा मैंने ऊपर से फोड़ लिया है, इसमें मैं पानी फिल करूँगी। और मतलब यार इतना क्रंची बन के तैयार हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।